द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस के एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मिया हमेशा की तरह अपने चश्मे भूल चुकी होती है, लेकिन आज मिया कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। और ऊपर से मिया ने आज अपना हेयर स्टाइल बदल लिया था, जिसके वजह से वो सुपर क्यूट लग रही थी। अचानक से मिया कोमुरा के पास आ जाती है और उसको घूरने लगती है, जिससे कि कोमुरा शर्मा जाता और पीछे हट के पूछता है उससे कि तुम क्या कर रही हो, जिसपे मिया मीठी आवाज से कहती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देख रही थी। उसके बाद वो हंस के यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे सौम्या आ जाती है और कमूर से पूछने लगती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी मिया की दोस्त आगे बढ़ के उससे कहती है मिया अपना चश्मा शायद भूल गई होगी, इसलिए वो कमूरा के पास चली गई होगी। सौम्या कमूरा की तरफ देखती है तो कमूरा कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन बाद में उसे मिया के लिए चिंता होने लगती है कि कहीं मिया के बारे में अफवाह फैलने न लगे। तभी क्लास में मिया आ जाती है और वो सौम्या को देख लेती है कमूरा की तरफ घूरते हुए, तो वो कमूरे से पूछती है कि वो तुम्हारे तरफ क्यों देख रही है, जिसपे कमूरा कह देता है कि मैं बीमार हूँ। तो ये सुन के मिया अपने बैग से मास्क निकालती है और वो कमूरा को पहनने के लिए दे देती है, लेकिन कमूरा को मास्क देने के बाद मिया हर जगह घूरने लगती है कमूरा को, और उन दोनों को सौम्या घूरती रहती है। इसके बाद हम लोग कमूरा को बास्केटबॉल कोर्ट में देखते हैं। सौम्या कमूरा से कहती है कि उसने डेटिंग वेटिंग कभी भी रियल लाइफ में नहीं देखी है, इसलिए वो एक्साइटेड हो गई थी। क्या मिया या कमूरा साथ में किस नहीं कर रहे थे? अरे बता भी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अभी हम उन दोनों के पीछे मिया को देखते हैं जो कि इन दोनों को ही घूर रही होती है, लेकिन वो अचानक से अपना पैर बास्केटबॉल के ऊपर रख देती है और वो सर के बल गिर जाती है। इसके बाद हम लोग मिया को नर्स रूम में देखते हैं जिसके साथ कमूरा भी था, लेकिन कमूरा को यहाँ पे जबरदस्ती भेजा गया था। लेकिन कमूरा अपने मन में सोचने लगता है कि अब फिर से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी। तभी मिया कमूरा से पूछती है कि वो वीकेंड पे क्या करता है। कमूरा कहता है कुछ खास नहीं, वो बस गेम खेलता है। लेकिन उसे भी ये पता चल जाता है कि मिया ने ये सवाल जानबूझकर पूछा है, तो वो मिया से पूछ लेता है कि ये सवाल उसने क्यों पूछा, जिसके बारे में मिया बोलती है कि वो आज पूरा टाइम सौम्या के साथ ही था, इसलिए मिया को कोई भी बात करने का टाइम नहीं मिला। कमूरा भी अपने मन में कहता है कि मिया बिल्कुल सही है, मैं आज पूरा दिन सौम्या के साथ था मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और मिया अपने चश्मे भूल गई थी इसलिए शायद उसे परेशानी हो रही होगी। लेकिन मिया कमूरा से कहती है कि मैं जब भी अपना चश्मा भूल जाती हूँ तो मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। लेकिन कमूरा को मिया की बात समझ ही नहीं आती है, उसे लगने लगता है कि मिया उसके लिए चिंता कर रही होगी और उसे शायद से दूसरों का चेहरा पास से देख के आत्मविश्वास मिल जाता होगा। इसके बाद कमूरा मिया से कहता है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं है अगर मिया उसका चेहरा पास से देखे तो, और मिया जितना चाहे उतना उसके चेहरे को देख सकती है। और मिया कमूरा से पूछती है कि मैं तुम्हारा अभी चेहरा देख सकती हूँ, जिसके बाद मिया कमूरा का चेहरा मिनटों तक देखती रहती है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं मिया और कमूरा स्कूल की सफाई कर रहे थे, लेकिन तभी मिया अपने बालों को कैबिन में फंसा लेती है और कमूरा को लगता है कि मिया को अपने बालों की चिंता होगी, लेकिन उसका उल्टा ही होता है। मिया अपने बालों को खींच के निकालने लगती है और वो कमूरे से पूछने लगती है कि उसके पास कैंची है बालों को काटने के लिए, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कमूरा कैंची ले आता है और वो फूक फूक के मिया के बालों को काटने लगता है। तभी मिया कमूरे से पूछती है कि लोग कहते हैं मेरे बाल उन्हें पसंद है, क्या तुम्हें भी पसंद है मेरे बाल। लेकिन कमूरा का सारा ध्यान मिया के बाल काटने पे था, इसलिए उसे मिया की बात सुनाई नहीं देती। अगले दिन हम लोग देखते हैं मिया क्लास के अंदर अपने बालों को बांध रही होती है, लेकिन उसकी हेयर बैंड नीचे गिर जाती है तो कमूरा उसे उठा के देने लगता है। तो मिया कमूरा से कहती है क्यों ना तुम ही मेरे बालों को ठीक कर दो, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कमूरा कहीं से कंघी ले आया होता है और वो मिया के बालों को ठीक करने लगता है। लेकिन मिया को पता चल जाता है कि कमूरा काफी ज्यादा घबरा रहा है, तो मिया कहती है कि वो आराम से कर सकता है। इसके बाद कमूरा पूरी मेहनत से मिया के बाल को बांध देता है और मिया उससे कहती है कि तुमने अच्छा काम किया और अच्छा होता कि ये काम मैंने तुम्हें सुबह ही करने के लिए कहा होता, जिसपे कमूरा शौक होते हुए उसे देखता है तो मिया आगे को मुंह करके मुस्कुराती रहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल का टाइम आ गया था, इसलिए सभी लोग रुक के तैयारियां कर रहे थे। तभी मिया कमूरा के पास आती है जिसने अपने हाथों और चेहरे पे इंक लगा रखी थी और उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकती हूँ। लेकिन कमूरा उससे कहता है कि तुम सबसे पहले अपने हाथों और चेहरे को साफ करो। इसके बाद मिया कमूरा से पूछती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, तो कमूरा मान जाता है। लेकिन मिया जब पेपर पे ग्लू लगा के उसे चिपकाने की कोशिश करती है तब उसने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया था, इसलिए वो पेपर चिपकता ही नहीं है। तो कमूरा मिया से कहता है मैं ग्लू लगा देता हूँ तो तुम चिपका देना, हम लोग पार्टनरशिप में काम करेंगे। इसके बाद कमूरा ग्लू लगा के देता है तो मिया जल्दी से पेपर पर चिपका देती है, लेकिन मिया ने उसे अपने हाथों पे ही चिपका लिया था।
तो फिर कमुरा सजेस्ट करता है कि उसे लड़कियों के साथ ही काम करना चाहिए, लेकिन मिया शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है, जिससे कि कमुरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मिया जाते हुए कमुरा से कहती है कि जब भी वो फ्री हो तो वो मिया को बता दे, जिसके बाद मिया लड़कियों के बीच में जाके काम करने लगती है। जब मिया वहाँ से चली जाती है तो कमुरा को ध्यान आता है कि मिया कमुरा के साथ टाइम बिताने के लिए आई थी। इसके बाद कमुरा को पता चलता है कि ग्लू खत्म हो गया है, इसलिए वो ग्लू लेने के लिए बाहर आता है, जिसके बाद मिया भी कमुरा के पीछे पीछे आ जाती है और उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद ये दोनों स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मिया कमुरा से कहती है कि अंदर में कोई भी नहीं है। इसके जवाब में कमुरा कहता है कोई भी नहीं। ये सुनके मिया जल्दी जल्दी कमरे के अंदर चली जाती है और कमुरा को भी अंदर खींच लेती है और दरवाजे को बंद कर देती है। मिया कमुरा से कहती है कि उसे आज मौका ही नहीं मिला कि वो उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख सके, तो मैं क्या यहाँ पे तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह से देख सकती हूँ। जिसपे कमुरा को मिया की कही हुई बात याद आती है और कमुरा मिया से कहता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें जगह बदल लेनी चाहिए। लेकिन मिया कमुरा को रोक लेती है और कहती है अगर कोई उन्हें देख रहा नहीं होता है तो वो मौका सबसे अच्छा होता है। इसके बाद मिया कमुरा का चेहरा देखने लगती है तो वो देखते ही रह जाती है। कमुरा कहता है कि उसे हाल ही में पता चला है कि जब भी मिया अपने चश्मे भूल जाती है तब वो किसी का चेहरा देखती है तो उसे अच्छा लगता है, और इसलिए कमुरा ने मिया को अलाउ किया कि वो उसका चेहरा देख सकती है। लेकिन कमुरा मिया को अपने इतने करीब देखता है तो अपने मन में सोचता है क्या वो ये इसे अलाउ कर सकता है कि वो मिया के लिए कोई खास पर्सन बने। लेकिन कमुरा मिया से कहता है कि टाइम अप हो चुका है तो अब देखना बंद करो, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि वो मिया के लिए क्या है और उसके लिए क्या रहता है। इसके बाद कमुरा जब अपने क्लास में आता है तो उसके दोस्त कहते हैं तुमने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। एक लड़का कमुरा से कहता है कि तुम्हें अपना चेहरा साफ कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे इंक लगी हुई है। दूसरी तरफ लड़कियां मिया से कह रही होती है कि तुम्हें अपना हाथ साफ कर लेना चाहिए, तुम्हारे हाथों के ऊपर इंक लगी हुई है, जिससे कि कमुरा को लगता है कि उस लड़के को लग रहा है कि मिया और कमुरा किस कर रहे थे, इसलिए वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।